Good morning everyone, and just look at the view. This was the next day, और ये हमारा कॉरिडोर था. यहाँ आकर के ये बैग भी दिया गया हम लोग को फ्रॉम सेबी NISM. देखते इसमें क्या क्या. पहला तो कार्ड जो कि पहन लिया हूँ, पहला चेन खाली है, दूसरा चेन भी फिलहाल तो खाली है, तीसरा ये क्या है. Okay, before revealing each and every item, let me tell where we are and what we are doing and how we end up getting here. तो भैया जी, जो बात मैं बताने वाला हूँ वो पिछले महीने की है. थोड़ा लेट हो गया हूँ इस वीडियो को अपलोड करने के में, बट सह लीजिए. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि है सेबी, उन्होंने एक नेशन वाइड क्विज कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था NISM कैंपस में, जहाँ पर 2800 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 2,70,000. उनमें से एक मैं था और एक जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं वो थे, और हमारे साथ एक फैकल्टी मेंबर भी थे, जो हम लोग तीनों लोग गए थे मुंबई. इस तरीके से टोटल पूरे इंडिया से 110 लोग सिलेक्ट किए गए थे सेबी के द्वारा मुंबई आके नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने के लिए. वहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छे से वेलकम किया गया, हमें वेलकम किट भी दिया गया. अपने बैग तो देख लिया मैंने, स्पीड में सब चला दिया, बट मैं दिखाना चाहता हूँ आपको. बैग के अंदर हमें एक ये मिला था मिल्टन का, जिसमें यहाँ पे ये टैग दिया हुआ है, आई होप दिख रहा होगा, NISM का ब्रांडिंग दिया हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड एजुकेशन इनिशिएटिव बाय सेबी. इसी तरीके से हमें एक पेन भी दिया गया था, जिसमें अगेन इसमें भी लिखा हुआ है नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया NISM. उसके साथ साथ ये एक कप दिया गया है, जो कि वहाँ पे जितने लोग भी थे 110 लोग, उन सबको ये कप दिया गया था. एक और कप मिला मेरे को, जो कि मैंने स्टेज में जा कर के आंसर दे करके लिया था, जो फोटो आप देख पा रहे होंगे. इन सब के अलावा एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायरी इसमें दिया गया, जिसमें अगेन NISM का ब्रांडिंग किया हुआ है. एक कैलेंडर, जो कि मेरे को जहाँ तक लग रहा है इस कैलेंडर में जितने सारे फोटोज़ हम लोग देख पा रहे हैं अलग अलग, ये फ़ोटोज़ एक्चुअल में जो लास्ट ईयर क्विज कॉन्टेस्ट हुआ था या कोविड से पहले जो क्विज कॉन्टेस्ट हुआ था वहाँ के फ़ोटोज़ हैं. और उस जगह का क्या तारीफ़ करूँ, मतलब NISM कैंपस इतना खूबसूरत था, इतना बड़ा था, कि एक दिन में हम पूरा एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए. ये वीडियो में आप लोग कुछ कुछ देख पा रहे होंगे, और सेबी ने हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ भी नहीं छोड़ा था, चाहे वो खाना हो, चाहे वो ऑडिटोरियम में कोई इवेंट हो, जितने भी तरीके से वो लोग हम लोग के साथ इंगेज कर सकते थे उन लोगों ने किया. सिंगिंग भी हुआ, जो कि इस वीडियो के एंड में मैं डाल दूँगा. वहाँ पे खाना भी हम लोग को बहुत टाइम दिया जाता था सुबह में, उसके बाद एक टी ब्रेक होता था, फिर लंच ब्रेक, फिर एक इवनिंग में स्नैक्स ब्रेक, फिर रात में डिनर के बाद हम लोग जाते थे सोने के लिए. फुली एयर कंडीशनर रूम दिख गया होगा आप लोग को, बहुत ही अच्छा गर्म पानी ठंडा पानी का फैसिलिटी था. और हमें बाद में ये मालूम चला कि हमारा जो NISM कैंपस जहाँ हम लोग रह रहे थे वो सराउंडेड था माउंटेन्स, छोटे छोटे माउंटेन्स थे जो कि पूरे NISM कैंपस को सराउंड किए हुए थे. ये जो फोटो दिख रहा है कैलेंडर के ऊपर में, ये NISM का ही एरिया को दर्शा रहा है, ये पूरा वहाँ का है. वहाँ के कुछ कुछ फ़ोटोज़ और बेहतरीन चीज़ें मैं डाल दूँगा. एक बहुत बड़ा थैंक यू मैं अपने फैकल्टी सर को बोलना चाहूँगा, डॉक्टर बनेश्वर कपासी सर को, जिन्होंने हम लोग को ये चीज़ बताया तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हम लोग सिलेक्ट हुए, और सर भी बहुत खुश थे कि हम लोग इस लेवल में पहुँचे. वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे सब टॉप नोच कॉलेजेस से आए हुए थे, IITs, IIMs, मतलब IIT तो सब भरे हुए थे, उदुपी, रुड़की, खड़गपुर बहुत सारे थे, और IIFT, मतलब ऐसे ऐसे कॉलेज से स्टूडेंट थे जहाँ का फीस है 18 से 20 लाख रुपये, जो कि अफोर्ड करना ही वहाँ पर बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है. उसके बाद इतने सारे बड़े बड़े कॉलेजेस से कम्पीट करने के बावजूद भी हम लोग ईस्टर्न रीजन में रैंक 7th में थे, एटलीस्ट लास्ट में नहीं थे, रैंक 7 में थे, और हम लोग से आगे 6 लोग और थे,
और जो विनर हुए थे नेशनल कॉन्टेस्ट के वो IIT खड़गपुर थे, और जो रनर अप थे वो IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड के छात्र लोग थे। तो ओवरऑल जो जर्नी था NISM का बहुत ही अच्छा लगा। NISM बहुत सारे एजुकेशनल, बहुत सारा कोर्सेज प्रोवाइड करती है। अगर किसी को भी कोर्स करना है उनके कैंपस में जा कर के तो वो भी कर सकते हैं। उनका डिटेल आप साइट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। दिस वॉज द NISM कैंपस इन पातालगंगा, मुंबई, महाराष्ट्र। एंड एज यू कैन सी द ग्रीनरी ऑल अराउंड एंड द क्लीनिंगनेस इज एट द पीक। और जो खूबसूरती चलते चलते हमें दिख रही थी वो आप भी यहाँ देख सकते हैं। दिस वॉज द कैंटीन एरिया वेर वी यूज टू हैव आवर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड इन बिटवीन स्नैक्स ऑल्सो। दिस वॉज द ऑडिटोरियम एंड दिस वॉज द ग्राउंड। दिस वॉज द ऑडिटोरियम फ्रॉम इन साइड। इट्स हैव डिफरेंट ग्राफिक्स टू absorb all the sounds and maintain the silence inside. This was me moving around and exploring. Here goes our teacher answering the question asked by the quiz master. This was again me recording in the open space of the NISM campus, and let me put my video where I was giving the answer. Fantastic! No, so he's saying buzz ever all the stuff, right? I didn't know this. No, what I was about to say was there has been a lot of work done by the NISM team. Give a big round of applause because every question was cross-verified with all of them. Yesterday, day question, we had sat with them, talked to them. Thanks to Sandeep, Kuldeep and the entire team who had done a lot of homework, because everything we had to verify, cross-verify, Google, go to official website, etc. A good day. You are from? Oh, fantastic. Coming all the way from Asansol. Fantastic. Congratulations, Nijit. Fantastic. Hey!
एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट मिला, कल का पता नहीं। अभी टाइम हो रहा है, इट्स 1:01। अब चलते हैं सोने। यहाँ लाइट नहीं, यहाँ सही है। This was the next day and just look at the beautiful surrounding and finally our journey has came to an end. We have to leave today the NISM campus after having our lunch and this is going to be an unforgettable moment for me for my rest of the life and I would love to come back here again but I don't think that it's gonna be possible in future. Maybe it happened. यहाँ पे मैं और बहुत महीने रह सकता हूँ, इतना अच्छे जगह था यहाँ पर। मैं तो चाहूँगा फिर कोई ऐसा कुछ इवेंट हो और मेरे को बुला लिया जाए। अभी हम लोग बस में आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत ही लंबा जर्नी है कैंपस से लेकर के मुंबई एयरपोर्ट तक का। करीबन 2-3 घंटे हमें लगा था एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। ये फुल्ली एयर कंडीशनर बस भी सेबी के द्वारा ही हम लोग को अवेल कराया गया था सभी कोई का ट्रैवलिंग के लिए। एक बस पहले जा चुकी थी, ये दूसरा बस था जिससे हम लोग जा रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट से लेकर के कोलकाता एयरपोर्ट तक का वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्प्रेड सम लव बाय शेयरिंग माई वीडियो टू एवरीवन। I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it.